हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिवानीज किचन। आज मैं आप लोगों को एकदम 100% नेचुरल एंड इफेक्टिव नीम सोप बनाना बताऊंगी। सो बेसिकली ये सोप आपके स्किन कॉम्प्लेक्शन को बहुत ही ज़्यादा फेयर, ग्लोइंग और स्पॉटलेस बनाएगी। ये आपकी स्किन पर से सारी डर्ट, इम्प्योरिटीज़ और एक्सेस ऑयल रिमूव कर आपके एक्ने और पिंपल्स की प्रॉब्लम को दूर करेगी। साथ ही आपकी स्किन पर से किसी भी तरीके के स्कार्स, डार्क स्पॉट्स, पिगमेंटेशन और सनटैन को भी कम्प्लीटली रिमूव कर आपके स्किन टोन को इवन बनाएगी। ये आपके स्किन कॉम्प्लेक्शन को ब्राइटन अप करेगी और ट्रस्ट में गाइस, अगर आप इसे रेगुलर बेसिस पर यूज़ करते हैं तो आप देखिएगा कि आपके स्किन पर से किसी भी तरीके का इन्फेक्शन भी एकदम जड़ से ख़त्म हो जाएगा। तो आइए इस मैजिकल सोप को बनाना शुरू करते हैं। नीम सोप बनाने के लिए सबसे पहले हम क्लीन बोल में ये 2 चम्मच नीम पाउडर लेंगे। उसके बाद हम इसमें ये 1 चम्मच ऑलिव ऑयल डालेंगे। फिर हम इसमें ये 1 चम्मच एलोवेरा जेल ऐड करेंगे। 7-8 ड्रॉप्स विटामिन ई ऑयल के ऐड करेंगे और अब हम लास्ट में इसमें ये 7-8 ड्रॉप्स रोजमेरी एसेंशियल ऑयल की भी ऐड कर देंगे। तो ये मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स डाल दिए हैं, तो अब हम इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये मैंने सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है और आप देख सकते हैं हमारा नीम का मिक्सचर बनकर एकदम तैयार है। तो चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। नेक्स्ट मैंने 60 ग्राम के करीब ग्लिसरीन सोप बेस ले लिया है, तो अब हम इसे छोटे छोटे पीसेस में इस तरह कट करेंगे। आप चाहें तो यह सोप बेस को ग्रेट करके भी ले सकते हैं, उससे भी सोप बहुत इजीली मेल्ट हो जाती है। तो यहाँ आप देखिए, मैंने सोप बेस को इस तरह छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। नेक्स्ट सोप को सेट करने के लिए मैंने एक सिलिकॉन का सोप मोल्ड लिया है। ये आपको ऑनलाइन बहुत ही इजीली मिल जाएगा और इसे परचेज करने का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो अब हम एक भगोने में पानी लेंगे, गैस की फ्लेम ऑन करेंगे और पानी में एक उबाल आने देंगे। और जैसे ही पानी में उबाल आ जाएगा, हम इसमें इस तरह एक पैन रखेंगे और इसमें कट करा हुआ सोप बेस डालेंगे। गैस की फ्लेम मीडियम हाई कर देंगे और इसे चम्मच से इस तरह लगातार चलाते हुए मेल्ट करेंगे। तो यह सोप बेस को मेल्ट करने के लिए मैं डबल बॉयलर मेथड का यूज़ कर रही हूँ, पर आप चाहें तो इसे 30 सेकेंड्स माइक्रोवेव में रखकर भी मेल्ट कर सकते हैं। पर मेक श्योर कि आपको इसको डायरेक्ट गैस पर मेल्ट बिल्कुल भी नहीं करना है। तो यहाँ आप देखिए, हमारी सोप बेस अच्छे से मेल्ट हो गई है। तो अब हम इसमें ये नीम का मिक्सचर ऐड करेंगे और दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। तो यह ध्यान रखें कि मिक्सचर डालने के बाद हमें इसे बहुत देर तक नहीं चलाना है, हमें इसे जस्ट मिक्स करना है। तो यह मैंने दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। आप देखिए, हमारा सोप का मिक्सचर बनकर एकदम तैयार है। तो बस अब हम गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे तुरंत ही सोप मोल्ड में ट्रांसफ़र करेंगे। इस प्रोसेस को थोड़ा सा जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि सोप बहुत जल्दी सेट होने लगती है। तो यह मैंने मिक्सचर को सोप मोल्ड में ट्रांसफ़र कर दिया है, तो अब हम इसे 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे ताकि हमारी सोप अच्छे से सेट हो जाए। तो यह लगभग 1 घंटे बाद मैंने सोप मोल्ड को फ्रिज में से बाहर निकाल लिया है और आप देखिए, हमारी सोप भी अच्छे से सेट हो गई है। तो अब हम इसे इस तरह डिमोल्ड कर लेंगे। तो यहाँ आप देखिए, हमारी सोप कितनी स्मूथ बनी है और कितनी ईजिली बाहर निकल आई है। ये नीम सोप आपके स्किन कॉम्प्लेक्शन को बहुत ही ज़्यादा फेयर, स्पॉटलेस और ग्लोइंग बनाएगी। ये आपकी स्किन पर से किसी भी तरीके के स्कार्स, डार्क स्पॉट्स, पिगमेंटेशन और सनटैन को भी रिमूव करेगी। और सबसे इम्पॉर्टेंटली, ये आपके एक्ने और पिंपल्स को तो क्योर करेगी ही, साथ ही आपकी स्किन पर से किसी भी तरीके के इन्फेक्शन को भी एकदम जड़ से ख़त्म कर देगी। प्लस इसके रेगुलर यूज से आपकी स्किन एकदम क्रिस्टल क्लियर, स्पॉटलेस और बहुत ही ज़्यादा रेडिएंट दिखाई देने लगेगी। तो आप इस मैजिकल सोप को ज़रूर बनाइएगा और इसका रेगुलर यूज़ कीजिएगा, क्योंकि तभी आपको पता लगेगा कि ये कितनी इफेक्टिव है। तो आप भी एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।